दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हमारे पास है ज़िगज़ैग सुई मशीन, जो कि हमें इस बॉक्स में पैकिंग में आई है, और ये मशीन बिल्कुल न्यू है। तो देखिए, ये है ज़िगज़ैग एम्ब्रॉयडरी मशीन और इसका मॉडल नंबर है 130K। और ये मशीन के साथ हमें मिला है ये पायदान, तो हम इसे साइड में रखते हैं। काफी अच्छी भारी मशीन है ये भी दोस्तों। जैसे कि ये नीचे का जो पायदान है, इसका कलर मैंने कुछ इस तरीके से बुलाया है। ये जो उसका पटिया है बहुत सुंदर है, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। और अगर आप ये कुरियर से बुलाते हैं, जो भी आपका मतलब ट्रांसपोर्ट वाला होता है, तो अगर उससे आप बुलाते हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए ऐसा डेंट लग गया है इसमें से। देखिए, जरा कैमरा पास में लाइए, ये देखिए, ये जो है ये ऐसा डेंट लग गया है, तो थोड़ा सा इसका शो खराब हो गया। चलो कोई नहीं, वो हम बुलाते हैं तो होता ही है ऐसा। और नीचे से कुछ ये ऐसा है, देखिए इसका फुट, और जो हमारा ये फुट है देखिए सौरभ कंपनी का है, और इस तरीके से है ये पायदान इसका। तो चलो जल्दी से हम मशीन इस पर लगा लेते हैं। तो अब हम रखते हैं इस पे बॉक्स। ये रखा हमने बॉक्स, बॉक्स की पैकिंग खोलते हैं। पैकिंग काफी अच्छी आई है, मशीन पूरी रेडी है। मतलब मैंने जो जिस दुकान से मैं मशीन लेता हूँ, वो भैया पूरा रेडी करके देते हैं मुझे। मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा ओपन आता है। तो देखिए, ये हम खोलते हैं इसमें। सबसे पहले हमें ये मिला बॉक्स, तो बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो बॉक्स में रबड़ लगा है, इसमें हमें एक तेल की कुप्पी मिली, एक ये धागा लगाने का मिला, दो बॉबिन मिली और दो सुई मिली, और दो पेचकस इस तरीके के मिले। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती है। इसे हम वापस रख देते हैं और इसे एक साइड में रखते हैं। हाँ, इसमें ऑयल है, चेक कर देते हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसे करते हैं अब ओपन। ये रही हमारी मशीन, जो सौरभ कंपनी की है, और ये हमारी एम्ब्रॉयडरी पिको मशीन है। तो ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है, देखिए बहुत ही सुंदर मशीन है। इसमें एक ये एडजस्ट दिख रहा है, ये एक पट्टी दी है साथ में, ये पट्टी को हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। ये पट्टी के लिए हमें ये पट्टी को खोलना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगी। ये निकल गई, निकल गई। अब हम इससे नट को बराबर लगा देते हैं। यह हमारा नंबर कम ज़्यादा करने वाला नट है, इसे हम साइड में रखते हैं। डब्बे को पटका हमने साइड में, और ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। काफ़ी स्मूथ मशीन है, न्यू मशीन बहुत ही स्मूथ है। और ये इस तरीके की मशीन है, इसे हम लगा लेते हैं। तो देखिए, मशीन में कुछ ये दो आते हैं, तो इसे हमें क्या करना है, ये जो मशीन है न्यू मशीन रहती है, देखिए इसमें दो छेद आते हैं, एक ये और एक ये। तो ये छेद में हमें बराबर ये चीज़ को लगाना है। तो देखिए कैसे लगाना है, थोड़ी मशीन को ठीक तरीके से पकड़िएगा और इसे ऐसा मिलाते हुए आपको लगाना है। ध्यान दीजिएगा, उंगली मत लगा, चेंदा कर लीजिएगा। यहाँ सब आपको ऐसे लगाना है, और फिर पट्टा हम जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही पट्टा चढ़ाना है। हम फटाक से पट्टा चढ़ा लेते हैं। ये हमने पट्टा चढ़ा लिया, मशीन कुछ इस तरीके से है। अब मैं स्टूल लेता हूँ और इसे चलाकर देखता हूँ। तो मैंने स्टूल लिया, बैठ गया मैं, अब इसे चलाकर देखता हूँ। इसके अंदर बहुत ही छोटी बॉबिन आई है, मुझे ऐसा लगता है कि बॉबिन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी बॉबिन आई है।
देखिए बहुत ही छोटी बॉबिन है ये, तो ये चेंज करना पड़ेगा मुझे। और ये मशीन की आवाज़ कुछ इस तरीके से है, थोड़ी सी हार्ड मशीन है अभी। इसमें वैसे तो मैं मोटर लगाऊंगा, पर ये मशीन थोड़ी सी हार्ड है। अब हम इसको चला कर देख लेते हैं। तो हम पहले इसमें धागा डाल देते हैं। धागा इसमें इस तरीके से डालेंगे। अभी तो फिलहाल में काफ़ी हार्ड है, इसे थोड़ा लूज करना पड़ेगा। ये स्विम का जो इसका छेद होता है ये सामने की तरफ होता है पीको मशीन में, और ये 3-in-1 मशीन है, इसमें आप सिलाई भी कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से धागा निकाल लेते हैं। अब हम इसे चला कर देखते हैं कि ये कैसे पीको कर रही है। वैसे तो मैं इसमें मोटर लगाऊंगा, देखिए इस तरीके से इसमें पीको हो रही है। थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगी, कम उस पर हमें चलाना है, तो हम थोड़ी सी इसमें एडजस्ट करते हैं और फिर चला कर देखते हैं। बहुत ही छोटा कर दिया मैंने, और करेंगे थोड़ा सा। अब चला कर देखते हैं। इसकी पिको काफ़ी अच्छी हो रही है, सुंदर पिको है। तो देखिए इस तरीके से ये पिको दिखती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस मशीन का रेट देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं रेट मेंशन कर दूंगा, और ये मशीन मैंने कहाँ से ली है वो भी आपको लोकेशन के साथ बता दूंगा। और ये मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे चलाने में भी बहुत हल्की लग रही है। अभी मैं इसमें मोटर लगाऊंगा, उसके बाद इसमें 2-3 वीडियो आएंगी तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, और मशीन अब बढ़िया मशीन है। ये मशीन जब मतलब पीको के लिए ही हम यूज़ करते हैं, बाकी आप इसमें 3-4 काम कर सकते हो, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, कांच बना सकते हो, और साथ में आप इससे पीको कर सकते हो, तो आप इसमें 3 काम इजीली कर लेंगे। तो दोस्तों आपको इससे जुड़ी और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।